हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क प्री 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसी को टारगेट करके आज का सेशन प्रिपेयर किया गया। आज के सेशन में डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आजकल ये करीब करीब एक स्लॉट छोड़ के दूसरे में, हर स्लॉट में तो डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे दिन भर में अगर चार स्लॉट हुए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दो में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंपल से मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं। दो आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक में कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन एक में है, सेकंड में कुछ है, कुछ बेसिक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। आपको करना क्या है कि जो बेसिक क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ वो आपसे फाइंड करने के लिए कहें। जब आप स्टेटमेंट फर्स्ट में जाते हैं तो सिर्फ आप बेसिक क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है प्लस स्टेटमेंट फर्स्ट में जो इंफॉर्मेशन है उनको क्लब करके देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्या क्वेश्चन सोल्व हो गया। देन नहीं हुआ, गो फॉर सेकंड, और हो गया तो भी आपको सेकंड पे जाना। तो जब सेकंड पे जाओ तब फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल भूल जाओ। दोबारा जो बेसिक क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको सेकेंड स्टेटमेंट में जो आपके इंफॉर्मेशन है उन दोनों को आप क्लब करके देखें और क्वेश्चन को सोल्व करें और उसे देखें कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ। अगर पहले से भी नहीं हुआ स्टेटमेंट, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी नहीं हुआ, देन आप फर्स्ट और सेकंड प्लस बेसिक क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है सबको क्लब करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर देखें कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ, अकॉर्डिंगली फिर आप उनको आंसर करें। लेकिन अगर फर्स्ट से भी हो गया, सेकंड से भी हो गया, तो उनको क्लब करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। और फिर आपको जैसे ऑप्शन आपके दिए, पहला क्या है, फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट बट सेकंड इज नॉट सफिशियंट, सेकंड इज सफिशियंट बट फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट, इधर फर्स्ट और सेकंड अलोन इज सफिशियंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर सफिशियंट। इनमें थोड़ा बहुत वो वेरिएशन भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो इस पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वही देंगे, उनमें कई बार वो थोड़ा थोड़ा वेरी भी कर देते हैं, तो ऑप्शन जरूर इनके देख लिया। चलो सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। P एंड Q आर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। कोई एक P सोल्यूशन है और एक Q सोल्यूशन है। P और Q दो सोल्यूशन है और किस किस के हैं, वाटर एंड एल्कोहल। वाटर को मैं W लिख देता हूं, एल्कोहल को A। W और A का मिश्रण है P में भी और Q में। इफ सोल्यूशन आर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट ऑफ P एंड फोर पार्ट ऑफ Q। एक नया सोल्यूशन आपने तैयार किया है R। P से आपने ले लिए तीन पार्ट और Q से ले लिए चार पार्ट और फिर ये एक मिश्रण बना, तो ऑब्वियस है इसमें भी वाटर और एल्कोहल ही किसी रेशियो में होंगे। व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन R विल एल्कोहल फॉर्म। R में एल्कोहल का परसेंटेज, परसेंटेज एल्कोहल इन R, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या मिक्सर एंड एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब अपने वाटर एंड एल्कोहल के दो P और Q है, तीसरा R बन रहा है किसी सर्टेन रेशियो में मिक्स हो गए तीन और चार पार्ट में, तो आपको क्या चाहिए। P में वाटर और एल्कोहल का रेशियो चाहिए और Q में भी वाटर और एल्कोहल का रेशियो चाहिए, तो फिर आपका ये निकल जाएगा। अब देखिए आप स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है, सॉल्यूशन P कंटेंट 15% ऑफ एल्कोहल। मतलब P में 15% अगर एल्कोहल है तो ऑब्वियस है कि 85% आपका वाटर है, तो इसमें रेशियो आपके पास आ गया 85:15 पी में। एंड क्यू कंटेंट 7% एल्कोहल, क्यू में अगर 7% एल्कोहल है, 7% अगर एल्कोहल है तो ये 93% आपका हो गया वाटर। तो दोनों का आपको इसमें रेशियो मिल गया। तो सिंपल मिक्सर एंड एलिगेशन से जैसे अपने करते हैं, इसमें किसी एक पार्ट को ले लो, या तो एल्कोहल निकालना है आप एल्कोहल को ही ले लो, एल्कोहल इसमें कितना पार्ट है, टोटल पार्ट अगर मैं फर्स्ट पी में अगर मैं देखूं तो क्या हो गया एल्कोहल, एल्कोहल आपका आ गया 15 पार्ट, 15/100 भाई, 15 पार्ट टोटल इसका शेयर है, 100 टोटल है, 15/100 तो इसमें शेयर हो गया और इसमें हो गया 7/100। और उन दोनों को एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, तो ये जो जो भी मान लो इसको मैंने एक्स मान लिया और इन दोनों में से आप घटा के, मतलब 15/100 माइनस एक्स और एक्स माइनस 7/100, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, जिस रेशियो में आपने मिलाया है तीन और चार का,
आपका एक्स एक वेरिएबल है तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट से आपने देखा कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब गो फॉर सेकेंड, सेकेंड में क्या, देर वॉज ए टोटल 10 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आर। इसमें सिर्फ आपको क्या दिया है कि सोल्यूशन आर जो है ये 10 लीटर है, तो इससे तो कुछ भी नहीं निकला भाई। जब तक आपको पी और क्यू में एल्कोहल और वाटर का शेयर पता नहीं चलेगा तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड इज नॉट सफिशियंट, बट फर्स्ट तो सफिशियंट है। आप देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट बट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशियंट, आप इसको टिक करें और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग ए सेल फोन फॉर ₹6,650। ये कोई सेल फोन है, उसकी सेल प्राइस आपको दे दी 6,250 और आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस तो आपके पास है, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, राइट। अब चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पे, फर्स्ट में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सच सेल फोन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 सच सेल फोन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हो गया, आप सी कॉस्ट प्राइस किसको मान लेंगे, ₹4 होगी और सेल प्राइस उसकी होगी ₹5, तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 25%, 25% परसेंटेज प्रॉफिट आ गया और आपको सेल प्राइस भी आपको मिल गई। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे आप भाई, 125% ऑफ सीपी ऑफ सी ये 6,650 है, तो यहां से आप सी निकाल लेंगे, ऐसा आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। तो फर्स्ट तो सफिशियंट है, गो फॉर सेकंड। सेकंड में क्या, 25% प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ई सेल, आपको डायरेक्ट दे दिया कि परसेंटेज प्रॉफिट है वो 25% है। तो एज यूजुअल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ही वापिस सेकंड में बन गया, तो सेकंड इज ऑल्सो सफिशियंट। तो आप देख लो आइदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ऑप्शन इज वो टिक करें और आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करना, आपको आंसर नहीं निकालना है। मैं फिर थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए इसको डिटेल में समझा रहा हूं, बाकी आपको अगर देखते ही एट ए ग्लेंस ये लग रहा हो कि हाँ इससे निकल जाएगा तो आप उसको टिक करो, आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, एक क्लास है कोई, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपको पता करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये फाइंड करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रहा है, एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 46 kg, एवरेज वेट दे दिया क्लास का, एवरेज वेट 46 kg। अब अगर वो टोटल वेट दे देता तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप निकाल लेते, लेकिन सिर्फ एवरेज वेट से तो 46 किलो एवरेज वेट तो 100 बच्चों का भी हो सकता है, एक बच्चे का भी 46 किलो हो सकता है, तो इससे फर्स्ट से कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा। सेकेंड देखिए, इफ टू स्टूडेंट्स वेइंग 38 एंड 32 केजी लीव द क्लास, अगर 38 किलो और 32 किलो वाले तो मतलब 40 से 70 किलो के बच्चे तो क्लास को छोड़ते हैं, क्विट करते हैं इससे, लीव द क्लास एंड रिप्लेस बाय 48 एंड 40, 48 और 40 88 किलो उसमें इंटर होता है, ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 3 kg, तो इससे डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 18 किलो प्लस हो गया, प्लस 18 किलो होने से एवरेज वेट कितना बढ़ा, एवरेज 3 किलो से बढ़ गया, तो इससे सोल्व हो गया भाई। 18 किलो को कितने जगह आप बांटोगे तो 3 किलो होगा, तो 18/3 6 बच्चे हो गए, 6 स्टूडेंट्स आपका सोल्व हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट से सोल्व हो रहा है बट फर्स्ट से नहीं हो रहा है। देखिए, ओनली फर्स्ट सफिशियंट, नो, ओनली सेकेंड सफिशियंट, सेकेंड तो सफिशियंट है, बोथ फर्स्ट और सेकेंड, नो, आइदर फर्स्ट ये भी नहीं, तो ओनली सेकेंड इज सफिशियंट, बी को टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ए मैन बोरोड ए टोटल सम ऑफ ₹24,000 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स, किसी व्यक्ति ने ₹24,000 प्रिंसिपल आपको दे दिया, टोटल प्रिंसिपल आपका ₹24,000 है, वो दो बंदों से कोई उधार लिया है, फॉर वन लोन ही पेड इंटरेस्ट, एक लोन है दो टुकड़ों में लिया है इसने, पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 6% पर एनम है और दूसरे का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 4% पर एनम। हाउ मच मनी डिड ही बोरो एट ईच रेट, तो ये कोई P1 है, मान लो इसको मैं X मान लेता हूं, तो P2 ऑब्वियस है 24,000 माइनस X होगी, तो आपको P1 और P2 निकाल लिया, मतलब कुल मिला के आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पे, पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, सम ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर वाज 1234, इनका दोनों का सम ऑफ इंटरेस्ट ब्याज जो है वो 1234 बना 1 साल में,
तो आपको पता है कि एक्स पे कितना ब्याज मिला, 6%। तो इसका मतलब 6% ऑफ, हमेशा प्रिंसिपल का होता है, एक्स प्लस 4% ऑफ 24,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1,234। अब आप इसमें देख रहे हैं, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स, एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्स की वैल्यू जैसे ही फाइंड हुई, आपका P1 P2 जो इसने फाइंड करवाया दोनों निकल रहे, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको देखते ही लगेगा कि हाँ यस फर्स्ट से मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा। तो फर्स्ट तो सफिशियंट है। गो फॉर सेकेंड, द इंटरेस्ट ऑन वन सम वॉज ट्वाइस दैट ऑन दी अदर आफ्टर वन, एक साल में पहली पे कितना था, 6% ब्याज था, तो 6% सॉरी 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 थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये 6% इसमें क्या दिया दूसरे में इसने, कि पहले से द इंटरेस्ट ऑन वन सम, तो पहले में कितना होगा 6% ऑफ एक्स, ये तो फर्स्ट से मिला ब्याज आपको, ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, दूसरे से कितने मिलेगा 4% ऑफ 24,000 माइनस एक्स जो अमाउंट है, और ये क्या है 6% है, ये इससे डबल है, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करोगे तो इक्वेट हो जाएंगे। इसमें भी आपको दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक एक्स ही वेरिएबल है, फाइंड इससे भी आप कर लोगे। तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई आपके पास हुआ तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नो, ओनली फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकेंड आर सफिशियंट, कि दोनों में से कोई भी होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या, इन हाउ मेनी डेज 12 मेन एंड 8 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क, तो ये काम है जिसमें 12 आदमी और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे कंप्लीट, ये आपको निकालना है। अब इसके लिए, इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कि एक तो चाहिए आपको टोटल वर्क का क्वांटम, भाई टोटल वर्क कितना है ये आपको चाहिए, देन आपको चाहिए मैन पर यूनिट और वुमेन, मतलब ये पर डे वर्क, मैन का पर डे वर्क कितना है, वुमेन का पर डे वर्क कितना है, ये सब होगा तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पे चलिए, भाई मेन में क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ पूछा गया है 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज, 5 वुमेन, तो मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क है आपका 5 वुमेन इंटू 2, तो 10 वुमेन डेज ये टोटल वर्क है। लेकिन अब मैन और वुमेन का आपस में क्या रिलेशन है नहीं पता है, तो फर्स्ट अकेले से तो पार नहीं पड़ रही। सेकंड पे चलिए, 1 वुमेन एंड 10 मैन, 1 वुमेन प्लस 10 मैन कैन कंप्लीट दी वर्क, कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में, मतलब ये आपका टोटल वर्क हो गया, कि भाई ये एक वुमेन और 10 मैन दोनों मिलके इसको 5 दिन में कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आप इन दोनों का मैन वुमेन का डायरेक्ट इसमें फिट कर नहीं सकते हो, भाई ये 12 मैन और 8 वुमेन है, इसी रेशियो में होते तो फिर आप निकाल लेते, तो क्या हुआ इससे भी आप नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइंड कर देते हो तो ये क्या आ जाएगा, आप इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, 5 वुमेन प्लस 50 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन, और 10 वुमेन में से 5 वुमेन, तो 5 वुमेन इज इक्वल टू 50 मैन, तो मैन और वुमेन का यहां से इफिशियंसी आपकी निकल गई और टोटल वर्क 10 वुमेन के इक्वल हो गया। आप इसको आराम से सोल्व करके दोनों को मिला के और फिर ये आप निकाल लेंगे, जब आपका पास जैसे ही इनकी इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया, तो आप इसको निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, दोनों चाहिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट, आप इसको टिक करेंगे और आगे। ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करते रहें, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज हमें लिखिए, हम वो देने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज के क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं देख पाए हो देखना चाहे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।